हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। और आज की हमारी रीडिंग है उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं। जब भी मैं कोई लव रीडिंग पोस्ट करती हूं तो जो सिंगल होते हैं वो ज़रूर एक बार ही लिखते हैं कि मैम हमारे लिए भी कुछ अपलोड करिए। एंड इनफैक्ट बहुत टाइम से मैं सोच भी रही थी कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाऊँ, तो लीजिए जी ये वीडियो आपके लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है कि अब से लेकर अगले 3 महीने में आपकी लाइफ कैसी रहेगी विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जब भी ये थॉट आपके माइंड में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो उस टाइम से लेकर अगले 3 महीने में आपकी लाइफ कैसी रहेगी विद रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप एंड लव लाइफ, उसका जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। ये एक जेनरिक रीडिंग है तो हो सकता है ये 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर ये 70-75% भी आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं तो ज़रूर इसमें कोई मैसेज है आपके लिए, आप वो मैसेज ले सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। सबसे पहले पाइल में हमारे पास है ग्रीन पिरामिड, एंड दूसरे पाइल में हमारे पास है रेड पिरामिड, एंड तीसरे पाइल में हमारे पास है येलो पिरामिड। तो आप आंखें बंद करके इन तीनों पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ कर लें। ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा एनालाइज ना करें। जो पाइल सबसे पहले आंखें खोल के आपको दिखता है, आपको नज़र आता है, आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं पाइल को चूज़ करने में। तो चलिए जी शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन पिरामिड चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। और उसके लिए हमारे पास कार्ड्स है व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। नीचे यहाँ पे कार्ड है बर्डन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है वो ऑन द वर्ड ऑफ ब्रेकअप हैं। कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया इस ब्रेकअप को, लेकिन अभी भी आप उस रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए। अभी भी जब भी आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं आपको बहुत एक पेन, बहुत एक दर्द महसूस होता है। और बहुत सारे चांसेस हैं कि इस ब्रेकअप का रीज़न चीटिंग है। चीटिंग हमेशा ही थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होती, चीटिंग के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कभी कभी हमारे पार्टनर हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स ट्रायंगल का कार्ड है, तो अगेन बहुत सारे चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था इसलिए ब्रेकअप हुआ है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप कम्प्लीटली इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं और उन एनर्जीज में से आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे कह रहा है कि कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कंप्लीटली बाहर हो गए हैं और कभी आपको लगता है कि आप अभी भी उसी रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं एक ऑन एंड ऑफ सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जहां पे फिर से मैं कहूँगी कि कम्प्लीटली शायद आप निकलना तो चाह रहे हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं। और यही चीज़ बहुत एक बर्डन, बहुत एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही होगी आपके माइंड में। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ही जल्दी आप इन एनर्जीज में से निकल जाएंगे और कहीं हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी किसी भी चीज़ के लिए दूसरे इंसान पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। ये एक सक्सेस है, या मैं कहूँगी ये एक चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं। अब आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है कि उन्होंने कम्प्लीटली हाल फिलहाल में ही ये रिलेशनशिप को अपने माइंड में एंड किया है और इन एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकाला है और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं उस पर फोकस कर रहे हैं। और ऐसा करके बहुत ही ग्रेट फील कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं उनको कितनी बड़ी सक्सेस मिल गई हो। हो सकता है कि पीछे बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे बर्डन का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो अगेन अगर मैं ब्रॉडली देखूँ पाइल 1, तो हो सकता है कि अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या आप
ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप हैं, या बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप में बहुत टाइम से आपका ब्रेकअप हो गया है, आप सिंगल हैं, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड से अपने पार्टनर को या उस रिलेशनशिप को नहीं निकाल पा रहे हैं, अभी भी जब भी वो चीज़ें याद आती हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन यू नो आप अपनी एक सोफिस्टिकेशन, आप अपना एक यू नो ग्रेस मेंटेन करके चल रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल वन की अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। तो उसके लिए सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 7 of Swords, 6 of Cups रिवर्स द हेरोफेंट। नीचे हमारे पास कार्ड्स हैं कॉन्शियसनेस, फ्लावरिंग, एडवेंचर, न्यू लव, अनरिक्वेटेड लव, एंगेजमेंट, एटर्नल लव एंड विंटर्स एंड के भी कार्ड्स हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 7 of Swords, और 7 of Swords चीटिंग का कार्ड होता है। तो हो सकता है पाइल वन की पास्ट रिलेशनशिप से आप आगे तो बढ़ गए हैं, आपने मूव ऑन तो किया है, लेकिन यू नो जो चीटिंग आपको इस रिलेशनशिप में मिली है आप उसको नहीं भुला पा रहे हैं, आप उस चीज को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। हमने देखा भी यहाँ पे 3 of Swords में कि ब्रेकअप का मेन रीजन चीटिंग था, तो कहीं यू नो इन एनर्जीज में से आप अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं। नीचे यहाँ पे न्यू लव का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई भी नया इंसान आपकी लाइफ में आता है तो आप कंप्लीट उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट फेथ नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है कि वो योगा मेडिटेशन कर रहे हों इन एनर्जीज में से अपने आप को निकालने के लिए। यहाँ पे 6 of Cups का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आप उनको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको उनकी याद आती है। यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव एंड फ्लावरिंग के भी कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि हो सकता है कि हरदम ही आपको ऐसा लगता हो, या जब भी आपको उनकी याद आती है आपको ऐसा लगता है कि भाई क्यों आपको वापसी नहीं मिली, क्या कमी रह गई है। थोड़ा सा एक कुछ पाइल वन के लिए एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रह सकता है, अपने आप को ही हो सकता है डाउट करते हो, तो कहीं यू नो इन एनर्जीज में से भी हो सकता है आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसी सी एनर्जीज कुछ पाइल वन की या काफ़ी सारे पाइल वन की रह सकती हैं। यहाँ पे हेरोफेंट एंड एंगेजमेंट के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहे हैं कि शादी, एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है, या हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग काफ़ी बातचीत आपकी फैमिली में चल रही है, आपकी लाइफ में चल रही है। यहाँ पे न्यू लव का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है शादी या एंगेजमेंट की बात चले। और यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, बेबी स्टेप्स आप ले रहे हैं इस नए रिलेशनशिप की तरफ। और हो सकता है कि यू नो कुछ पाइल वन के लिए कि उन्होंने पूरा ही अपनी फैमिली पे छोड़ दिया हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट ट्रेडिशनल तरीके से शादी की बात करता है कि भाई जहाँ पेरेंट्स कहें के जहाँ फैमिली कहेगी वहाँ पे शादी कर लेंगे। और कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है कि उनकी लिटरली शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है। और यहाँ पे एटर्नल लव का कार्ड है, तो कहीं यू नो अब आप एटर्नल लव चाह रहे हैं, अब आप किसी भी चीटिंग या किसी भी एक दुख और तकलीफ में अपने आप को नहीं डालना चाहते, तो हो सकता है बहुत सेफ भी चल रहे हों। यहाँ पे विंटर्स एंड का कार्ड मुझे कहता है रीबर्थ एंड पॉजिटिव आउटकम। तो अगर मैं ब्रॉडली देखूँ पाइल वन आप लोगों के कार्ड्स, तो कहीं यू नो उन चीटिंग एनर्जीज में से अपने आप को निकाल रहे हैं जो आपको पास्ट रिलेशनशिप में मिली, दो आपको उनकी बहुत याद आती है, और आप अपने ऊपर फोकस भी करना चाहते हैं कैसे आप अपने आप को और ब्यूटीफाई करें। शायद आपका बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हुआ है, उस पर भी हो सकता है कि बहुत सारे पाइल वन काम कर रहे हों कि कैसे उसको और एनहेंस करें। और शादी, एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ या तो हो सकती है या उस डायरेक्शन में आपके घर में आपकी फैमिली में बातें हो सकती हैं। तो ये थी पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने पाइल टू यानी कि रेड पिरामिड चूज किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल टू। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक करते हैं, और उसके लिए हमारे पास कार्ड्स हैं 5 of Wands, नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द फूल, अबंडेंस, फ्रेंडलीनेस, फाइटिंग, और ओरेकल डेक से हमारे पास है यिंग एंड यांग।
तो करंट एनर्जीज अगर देखें पाइल टू, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है कि अभी करंटली किसी चीज़ को लेके एक फाइट आपके माइंड में चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रही है, या हो सकता है कुछ पाइल टू के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट, ये फाइट उनके एक्सटर्नल वर्ल्ड में चल रही हो, जो भी लोग आपके आसपास हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ छोटी छोटी सी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, लड़ाई हो रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी रियलिस्टिक हैं। हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं और आपके लिए काफ़ी इमोशनल हैं, बहुत सेंटिमेंटल हैं, और हो सकता है ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर अपना चाहते हैं। और अभी कहीं आप मुझे एक बहुत ही केयर फ्री एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। यहाँ पे फूल कार्ड मुझे कह रहा है कि आप किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहते हैं, अभी आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं, और करेंटली फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ पाइल टू के लिए हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन तो कर गए हैं, और हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म तो हो गया है, लेकिन फिर भी मेंटली इमोशनली अभी भी उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी भी आपके पास्ट पार्टनर आपके माइंड में रहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अभी भी काफ़ी लव, काफ़ी इमोशंस आप उनके लिए फील करते हैं, महसूस करते हैं, और कहीं ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में रह सकती है कि भाई आप क्या करें, आप वेट करें या जो नए इंसान हैं आप उनके साथ आगे की सोचें या फिर आप फ्री रहें। तो ये एक तीन कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे यिंग एंड यांग का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आप एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना चाहते हैं, अपने लिए कहीं एक हार्मनी, एक सुकून लाना चाहते हैं, और कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं। तो ये पाइल टू आपकी करंट एनर्जीज हैं। और अब देखते हैं पाइल टू की अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। और इसके लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स रिवर्स, द स्टार रिवर्स, फोर ऑफ कप्स कंपैरिजन, हीलिंग, करेज, वर्थ वेटिंग फॉर, कोडिपेंडेंसी, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड द मैसेज। तो पाइल टू यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि अभी भी आप अपने पास्ट लवर का या पास्ट रिलेशनशिप का, पास्ट पार्टनर का वेट कर रहे हैं। दो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, हरदम आपके माइंड में उनका वेट रहता है, आपको ऐसे लगता है कि भाई कैसे ये रिलेशनशिप फिर से या पास्ट रिलेशनशिप कैसे फिर से रिवाइव हो जाए। और हमने देखा कि 3 महीने पहले जो भी इंसान आपकी लाइफ में थे, 3 महीने के बाद भी वो आपकी लाइफ में हैं, आपकी वेट कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हैं आपके लिए, बट कहीं मुझे आप इतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं उनमें। या मैं कह सकती हूँ कि जो भी नए लोग आपकी लाइफ में आते भी हैं तो आप कहीं इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं उनमें, या आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है उनमें। इन जनरल एक बोर्डम रह सकता है, एक मोनोटनी रह सकती है, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो आपको उतनी खुशी, उतनी हैप्पीनेस नहीं दे पा रही हैं, और हो सकता है कि एक कंपैरिजन आपके माइंड में चलता हो जो भी करंट इंसान आपकी लाइफ में है या जो आपके पास्ट पार्टनर थे। हो सकता है कि उन दोनों में से कोई एक बहुत इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल है, और दूसरा इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रियलिस्टिक है, और आपको ऐसा लगता है जो आपके पास्ट पार्टनर थे वो आपके सोलमेट थे। यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है, और कहीं आप अभी भी अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए उन पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, आपको ऐसा लग सकता है या हो सकता है ऐसा हो कि आपको बहुत ज़्यादा उनकी एडिक्शन हो गई है, उनकी आदत हो गई है, और शायद इस चीज़ की हीलिंग भी हो सकता है आप कर रहे हों या किसी से करवा रहे हों। यहाँ पे करेज का कार्ड मुझे कह रहा है कि इतना आसान नहीं है आपके लिए उनका वेट करना, काफ़ी एक विल पार,
काफ़ी एक डिटर्मिनेशन आप रख रहे हैं, काफ़ी हो सकता है कि आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, बट फिर भी मुझे आप पास्ट लवर की इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे द स्टार रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई टाइम होता होगा जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते होंगे। एक होप जो आपके माइंड में है, आपके दिल में है कि पुराना रिलेशनशिप फिर से रिवाइव हो जाएगा, वो कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है, वो कहीं जाती हुई दिख रही है। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आता हुआ दिख रहा है। आप थोड़े से डायरेक्शनलेस भी फील कर सकते हैं अब से 3 महीने के बाद, लेकिन यहाँ पे द मैसेज का कार्ड मुझे कहता है कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है और जो भी आप उम्मीदें खो सकते हैं वो फिर से रिवाइव हो सकती है, क्योंकि मैसेज का कार्ड कहता है पॉजिटिव न्यूज़ पॉजिटिव आउटकम। तो जिनका भी आप वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, फ़ोन कॉल आ सकती है, वो कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, इस रिलेशनशिप में फिर से आने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी पाइल टू कि वो आ रहे हैं, बट उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव रह सकता है, उनकी तरफ से एक फोन कॉल, एक मैसेज अब से लेके 3 महीने बाद आ सकता है। तो ये थी पाइल टू आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि येलो पिरामिड चूज किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 3। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक करते हैं, और उसके लिए हमारे पास कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड रिवर्स, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, ड्रीम, अवेयरनेस, पोस्टपोनमेंट एंड एमेथिस्ट। तो पाइल 3 अगर आपकी करंट एनर्जीज देखें तो यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें दिख रही हैं, दो सिनारियोज दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ उन लोगों के लिए जिनका पास्ट में रिलेशनशिप था, और कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनका कभी भी रिलेशनशिप नहीं था। तो हम पहले उनकी बात करेंगे जिनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था। और आप लोगों के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स एंड ड्रीम, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है पास्ट जो भी आपके लवर थे, पास्ट जो भी इंसान आपकी लाइफ में थे, उनके फोन कॉल का, उनके मैसेज का एक इंतजार आपको अभी भी रहता है बहुत ज्यादा। आप दिन रात हो सकता है उनके बारे में ड्रीम करते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो, उनको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स एंड अवेयरनेस के भी कार्ड्स हैं, और द वर्ल्ड रिवर्स कहता है कि आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि भाई आप इनकम्प्लीट हैं। हो सकता है कि आप सोशली इतना ज्यादा एक्टिव ना हो, लोगों से इतनी ज़्यादा बातचीत ना कर रहे हों, या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जिम है, एक्सरसाइज है, या कोई भी और चीज़ें जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं उनको आप अवॉइड कर रहे हैं, उनमें आपका मन नहीं लग रहा, कहीं एक बहुत इनकम्प्लीट वाली फीलिंग हो रही है। नीचे अवेयरनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि आप छुप छुप के उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको देखते रहते हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स पोस्टपोनमेंट के भी कार्ड्स हैं। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप शायद अभी भी उसी रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप अभी भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं और ये रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाए। और बहुत कहीं एक मैं कहूँगी कि इनसिक्योर और फियर वाली एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है, शायद आप खिड़की से जैसे ये फिगर बाहर देख रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं। तो अगेन वही चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लग रहा है डिले हो रहा है बहुत, कैसे आपके पार्टनर वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। और यहाँ पे एमेथिस्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आपने अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया है, शायद आपने अपना सेल्फ इस्टीम ही खो दिया है। और यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आएं। और अगर मैं ओवरऑल इन जनरल देखूँ तो किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार आपको करेंटली है, और आप बहुत ज़्यादा पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने पुराने पार्टनर को, और बहुत ज़्यादा उनको हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हों। द वर्ल्ड रिवर्स मुझे कहता है कि आपको इनकम्प्लीट फीलिंग होती है, आप किसी भी एक्टिविटी में कम्प्लीटली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कम्प्लीटली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, और कहीं एक डर, कहीं एक फियर आपके माइंड में रहता है कि अगर
आपके पार्टनर वापस नहीं आए तो क्या होगा, अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो क्या होगा, और कहीं अगेन यू नो मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आप उनको कम्प्लीटली इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, कहीं सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एक इंतज़ार आपके माइंड में रहता है, और आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है एक फेथ भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो कि ये रिलेशनशिप फिर से शुरू होगा और फिर से चीज़ें बेटर होंगी। तो ये आपकी करंट एनर्जीज हैं पाइल थ्री। और अब देखते हैं पाइल थ्री कि अब से लेकर अगले 3 महीने में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी। और इसके लिए हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 3 of Wands, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 of Pentacles, माइजर, ट्रैवलिंग, टोटालिटी, सेपरेशन, वेडिंग, केमिस्ट्री एंड हिडन गिफ्ट। तो पाइल थ्री अगर देखें कि यू नो अब से लेकर 3 महीने बाद चीज़ें कैसी रहेंगी, तो सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है 4 of Pentacles एंड द माइजर, और ये दोनों ही सेम कार्ड्स हैं, डिफरेंट डेक से, एक ही बात कहते हैं कि शायद यू नो अभी भी आप पुराने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो अब से लेके 3 महीने बाद भी कहीं यू नो उनका इंतज़ार आपके माइंड में है, कहीं आप उनकी बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं। हो सकता है यू नो कॉन्शियसली आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं या नहीं हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है यू नो आपको लगता हो नहीं नहीं मैं तो मूव ऑन कर गया हूँ, मूव ऑन कर गई हूँ, बट कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपका एक माइंड, आपका एक दिल अभी भी पुराने रिलेशनशिप में है, पुराने पार्टनर के साथ है, और यहाँ पे 4 of Wands एंड माइजर के कार्ड्स यही कह रहे हैं कि बहुत टाइटली आप पकड़ के बैठे हुए हैं, यू नो आप चीज़ों को लेट गो करना नहीं चाहते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हैं, और हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में हो जो आपको बहुत ज़्यादा एक लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हो, वो कोई भी हो सकता है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये आप ही हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप डीप डाउन हो सकता है कि मूव ऑन करना चाहते हो, पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं यू नो नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि अभी भी आप उस सेपरेशन के बारे में सोचते रहते हैं, यू नो या हो सकता है कि कुछ पाइल थ्री सोचते हो क्यों ऐसा हुआ, क्यों अलग हुए, आप उनके साथ वेडिंग करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, या हो सकता है कि अभी कोई इंसान हैं कुछ पाइल थ्री की लाइफ में जो उनके साथ शादी करना चाहते हैं, जो उनके साथ यू नो अपना फ्यूचर चाहते हैं, बट कहीं पाइल थ्री आप ना पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत ही क्लियरली द माइजर एंड 4 of Pentacles का कार्ड मुझे कह रहे हैं, और माइजर कार्ड मुझे कहता है कि आप खुल के, हो सकता है कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है भी तो उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप खुल के नहीं आ रहे हैं, और यू नो हो सकता है कि आप डीप डाउन वेडिंग करना भी चाहते हो, शादी करना भी चाहते हो, बट आप खुद ही अवेयर नहीं है कि आप पुरानी चीज़ों को बहुत ही टाइटली पकड़ के बैठे हैं। तो जब तक पाइल थ्री आप पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो करेंगे, नई चीज़ें नहीं आएंगी, यहाँ पे टोटालिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप हो सकता है बहुत ही कॉन्शियस होके चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि बहुत सारे पाइल थ्री हो सकता है इस चीज़ के लिए अवेयर भी ना हो, या हो सकता है कि पीछे आपको रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं मिली जो आप चाहते थे, और नए रिलेशनशिप में जाने से पहले आप श्योर होना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ये रहता हो कि पता नहीं यू नो ये ना हो कि पुरानी चीज़ें रिपीट हों, तो उस चीज़ के लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हों, या फिर हो सकता है टोटालिटी का कार्ड 4 of Pentacles के नीचे है, तो बहुत ज़्यादा अगेन आपने टाइटली अपने पास्ट को पकड़ा हुआ है, और नीचे केमिस्ट्री का कार्ड कह रहा है कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि भाई कोई इंसान आपकी लाइफ में हो जो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें, जो आपको बहुत लव करें, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो, या हो सकता है कि आपको ऐसे लगता हो कि भाई जो पास्ट में इंसान थे आपकी लाइफ में उनके साथ आपकी बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी, वो केमिस्ट्री आप मिस करते हैं, शायद इसीलिए आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि अभी कोई इंसान है आपकी लाइफ में
और आपको ऐसा लगता है कि जब तक कि आपके साथ उनकी वैसी वाली एक केमिस्ट्री ना हो, वैसी वाली एक अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक आप शादी के लिए नहीं आगे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे यू नो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई भी हैं। यहाँ पे हिडन गिफ्ट का कार्ड मुझे कह रहा है सैडनेस एंड एंडिंग अ न्यू बिगनिंग। तो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। पाइल थ्री बहुत टाइटली आप पकड़ के बैठे हुए हैं, जब तक उनको आप नहीं छोड़ेंगे आप एक नई बिगनिंग नहीं कर पाएंगे। और एट टाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं लेकिन हम उनको देख ही नहीं पाते क्योंकि हम अपने पास्ट में इतने ज़्यादा डूबे हुए होते हैं। और ये कार्ड आपको वही चीज़ बोल रहा है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं खत्म करेंगे एक नई बिगनिंग नहीं होगी। और कहीं यू नो आपको लग रहा है कि शायद आपका पास्ट बहुत अच्छा था या पास्ट के पार्टनर अगर अभी आपके लाइफ में आ जाएं तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं जो भी ये एंडिंग हुई है ये एक हिडन गिफ्ट है जिसको शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप इस चीज़ को एंड करते हैं जो भी खूबसूरत चीज़ें आपके आसपास हैं, जो भी अच्छे लोग आपके आसपास हैं, जो आपको शायद वो लव वो सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं, आप उनको देख पाएंगे। और ये जो भी एंडिंग हुई है आपकी ये एक बहुत अच्छा यूनिवर्स की तरफ से तोहफा है, एक हिडन गिफ्ट है, उसको आप तभी देख पाएंगे जब आप पुरानी चीज़ों को एंड करेंगे और आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग होगी। तो ये थी पाइल थ्री आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।